हमारा जो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट लेकर के आएगा, वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके, तो जो भी हमारी डील होगी, डील होने के बाद उसको एक्स्ट्रा 10,000 का उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लाइंग कार पे। मैं हूं अजय धीमान। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को लेकर आया हूं गैलेक्सी कार्स पर। तो आज यहां का जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त होने वाली, क्योंकि आप लोगों को आज यहां पे सेडान भी देखने को मिलेगी, एक्सयूवी भी देखने को मिलेगी, एमयूवी भी देखने को मिलेगी, और आई थिंक एक आदि कोई ना कोई हम हैचबैक भी आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेके आएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, गैलेक्सी कार्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आ रहे मिस्टर खुर्शीद जी। सर नमस्कार, क्या हालचाल? सर नमस्कार। सर सबसे पहला आपके यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो मेरे दर्शक जो सवाल पूछते हैं जी वो सवाल सबसे पहले आपके लिए, आप हमेशा अपने नंबर प्लेट को क्यों छुपाते हैं? नंबर प्लेट को हम छुपाते नहीं हैं। जो नंबर प्लेट के ऊपर ये गैलेक्सी कार की जो प्लेट लगी होती है ना, ये हमारी कंपनी का एक प्रमोशन है जो आपके वीडियो के थ्रू हर किसी को मतलब देखने को मिलता है। और दूसरी बात, नंबर हम क्यों छुपाते हैं, इसके ऊपर हम अपनी गैलेक्सी कार की प्लेट क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न ये है क्या कोई भी नंबर मिसयूज़ ना करे। हाँ, क्योंकि आजकल इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसा हुआ था, नंबर हमारी गाड़ी का, हमारी गाड़ी हमारे पास खड़ी है पार्किंग में, और उस गाड़ी का नंबर किसी ने हमारा मिसयूज़ किया था। तो उसके रीज़न से जब से हम अपना फ़ोटो गाड़ी का करते हैं या वीडियो बनवाते हैं तो हम नंबर इसलिए सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में नंबर जो है वो छुपाया जाएगा, लेकिन जब ऑफलाइन क्या, जब आप नॉर्मल वैसे अगर आप विजिट भी करोगे या आपका कोई भी गाड़ी लेने का मन है, ठीक है, तो आपको गाड़ी की 00 डिटेल दी जाएगी विद नंबर। हाँ, तो नंबर दिया जाएगा आपको। नंबर छुपाने के कई सारे कारण होते हैं। पहला तो मैं सीधा बता देता हूँ, पहला कारण होता है प्रमोशन का, दूसरा होता है कि कोई मिसयूज ना करे गाड़ी का नंबर, और दूसरी बात यह है कि आप लोग जब यहाँ आएंगे तो आपको बाकायदा नंबर सब कुछ आपका दिखाई देगा। तो मेरे एक भाई ने सर आपसे अक्सर, हमारे चहेते दर्शक जो हैं, जो चहेते होते हैं वो हमेशा सवाल पूछते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जवाब देना बहुत जरूरी है, उनका सवाल पूछने का फर्ज है और हमारा जवाब उत्तर देने का फर्ज है। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार? आज सर आपको एक्सयूवी में दिखाएंगे, एमयूवी में दिखाएंगे, सेडान में दिखाएंगे, और मिक्स है सारा सेगमेंट आज। सबसे पहले एक्सयूवी 500 हमारे पास। हाँ जी, सबसे पहले एक्सयूवी 500 है, ये 2011 मॉडल है, W6 वेरियंट है इसका, फर्स्ट ओनर है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है। हाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू, इसके अंदर अभी टायर डले हुए हैं। अगर इसके किलोमीटर्स की बात करूँ तो ये 80 के अराउंड कुछ किलोमीटर चली हुई है जेन्युइन, okay. तो कंपनी से इसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। जी फर्स्ट ओनर। हाँ फर्स्ट ओनर है, 2011 रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी इंजन और ट्रांसमिशन बताओ कैसा है? बिल्कुल ओके सर, गाड़ी आप आओ चेक कराओ, अपना मैकेनिक लेके आओ चेक कराओ, कोई इशू नहीं है। ओके, डेड वेट तो पक्का होगा सर इस पे? नहीं, पूरी जेन्युइन है। आप बंपर देख लो, हल्का फुल्का माइनर सा आपको देखो स्क्रैचेस मिलेगा, ये देखो आप। ओके, मतलब जेन्युइन है, बंपर भी जेन्युइन है, पेंट नहीं कराया कहीं? नहीं कराया, बिल्कुल एकदम। हाँ बिल्कुल जेन्युइन है, किसी गाड़ी के अंदर अगर कुछ पेंट होगा तो वो आपको बता देंगे कि इस गाड़ी के अंदर ये पेंट हुआ है। बाकी मोस्टली क्या होता है, हमारी गाड़ी के अंदर ज़्यादातर बंपर संपर पेंट मिलते हैं आपको, बाकी आधा पीस कोई टचिंग होता है वो बात एक अलग है। बाकी ज़्यादा पेंट वाली गाड़ी या ज़्यादा मतलब छोटा मोटा पेंट चल रहा है हम लेते ही नहीं है। दो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, एक इंजन, दूसरा ट्रांसमिशन। अभी बताओ इसकी बेस्ट डील क्या आप देंगे? इसकी बेस्ट डील सर आपको मिल जाएगी 4,20,000 की, जो नेगोशिएबल प्राइस है। ओके, कितना नेगोशिएट कर लेंगे फिर? सर ऑन टेबल। ऑन टेबल? हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जो जिसमें हमने डस्टर का नेगोशिएट किया था, तो हमारे पास उसकी इंक्वायरी आई बहुत सारी, तो कुछ हमारे भाइयों ने यही बोला कि आपने 4 लाख तो वीडियो में ही बोला था, तो हमने उनको यही बोला कि हमने 4 लाख बोला था, पर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखो हमने 4 लाख कहाँ बोला था। ओके, तो इसलिए जो भी हमारा भाई ये गाड़ी लेना आएगा या ऑनलाइन जो भी बुक करेगा या जो भी डील फाइनल करेगा, तो ऑन टेबल बैठ कर जो भी नेगोशिएट होगा फाइनल किया जाएगा। देखो भाई लोगों, एक बात बता देता हूँ, भाई आस्किंग प्राइस कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे इन्होंने इसका बोला 420, अब मैं यहाँ पे नेगोशिएट करूँगा तो आपके बिहाफ पे करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट प्राइस लगाने की। अब जो आप लोगों के लिए मैंने बेस्ट लगा दिया ना, उससे कम नहीं हो पाता है यार, इन्होंने भी कमाना है, उनके लिए भी मैं 30% हूँ और आप लोगों के लिए 70% हूँ, खुल के बोलता हूँ। अब बताओ खुल के कि क्या इसकी बेस्ट डील देंगे?
ये सर जैसे मैंने आपको बताया इसका आस्किंग प्राइस है 420 का, छोड़ दीजिए वो। हाँ, ये लास्ट टू लास्ट लास्ट वाला जो फाइनल आपको मिलेगी 4 लाख रुपए में मिलेगी फाइनल। बिल्कुल। और कम? ये लास्ट है सर, इससे आगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, इससे आगे नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। कसम गाड़ी की पूरी गारंटी आपको मिलेगी, गाड़ी आप आओ चेक करो, गाड़ी की कंडीशन एकदम A1 मिलेगी आपको। ओके, कसम खाली, मतलब इससे नीचे नहीं जाएंगे। 4 लाख में आपको XUV500 W6 मिल रही है, फर्स्ट ओनर 2011 है, 80,000 किलोमीटर ये चली हुई है। जी जी, जी। और आगे बढ़ते, अब हमें मिलने वाली है सर हुंडई की वरना। वरना बहुत ही बढ़िया न्यू शेप की लग रही है, 2013 मॉडल है ये, 1.6 EX इसका वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। दो बम्पर इसके अंदर हमने पेंट कराए गाड़ी के। ओके, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है। ओके, ड्राइवन? ये ड्राइवन है 47,000 किलोमीटर, ओनली 47,000 किलोमीटर चली है विद सर्विस रिकॉर्ड। ओके, पेट्रोल डीजल? क्या माइलेज डीजल में? डीजल में माइलेज होती है सर इसकी 14-15 की। EX एक बेस मॉडल आता है हुंडई के प्रोडक्ट में, SX से नीचे वाला मॉडल होता है EX। ओके, तो क्या क्या फीचर्स हमें इसके अंदर मिलने हैं? सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, बाकी बस थोड़े से जैसे इसके जो साइड मिरर है ऑटो फोल्ड नहीं होते, अलॉय व्हील नहीं होते। ओके, बाकी सब कुछ सेम मिलेगा आपको। आप इंटीरियर में देखो, स्टीयरिंग में आपको माउंट कंट्रोल मिलेंगे, कंपनी फिट म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे, एयरबैग भी मिलेगा, सब कुछ सेम। इंजन ट्रांसमिशन में कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, एकदम जेन्युइन मक्खन, पूरी जेन्युइन है। ओनली 47,000 चली है सर, 47,000 में हुंडई वरना का क्या बिगड़ेगा, मतलब मक्खन की तरह चलती है बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डेंट पेंट कहीं हो तो बता दीजिए। सिर्फ दो बम्पर हमने खुद पेंट करवाए। ओके, क्या इसका बेस्ट डील रखी सर? इसकी बेस्ट डील है सर 4,25,000। तो नेक्स्ट डील हमें यहाँ पर मिलती है VIP कार। जी, मारुति की सियाज, VIP बोला जाता है इसे। हाँ बिल्कुल, VIP बोला जाता है। तो क्या इसकी डिटेल रहने वाली? सिल्वर कलर है सबसे पहले। हाँ, सिल्वर कलर में है सर ये, 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर, VDI प्लस, डीजल में है गाड़ी। इसके अंदर भी आपको दो बम्पर पेंट मिलेंगे, बाकी एक उधर का राइट साइड का जो फेंडर है वो टचिंग हुआ मिलेगा आपको, वो हमने कराया था। और बाकी जो गाड़ी है पूरी जेन्युइन है। अगर इसकी किलोमीटर की बात करूँ तो ये भी 80 के आसपास चली हुई है। डीजल पे माइलेज? डीजल पे इसकी माइलेज तो सर लोकल की अगर बात करूँ तो 17-18 की देती है लोकल में। ओके, जी। VDI में क्या क्या मिलने वाला सर? ये VDI प्लस है सर। ओके, क्या क्या मिलने वाला हमें इसमें? एयरबैग मिलेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिलेंगे, और जो इसका ऑटोमेटिक AC मिलेगा आपको, रियर में भी आपको AC मिलेगा। ओके, जी। तो क्या इसकी फिर बेस्ट डील आप लगा रहे हैं? इसकी सर बेस्ट डील आपको ये फाइनल मिल जाएगी 5,15,000 रुपये की, 5,15,000। बाकी आप लोग समझ आ रहे हैं, जब 15 बोला जा रहा है और ये मालूम है ना सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अगली डील सुपर्ब स्कोडा की। क्या सर इसका? ये स्कोडा की सुपर्ब है, एक लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में दिखाई थी, उससे अगले दिन ही सेल हो गई थी, वो पेट्रोल में थी, ये डीजल में हमारे पास अभी। ओके, जी। कलर ब्राउन बोलेंगे ये, इसको मैरून कलर बोलते हैं, मैरून कलर। जी, ओके जी। क्या इसकी डिटेल रहने वाली सर? इसकी डिटेल सर ये 2011 मॉडल है, डीजल। ओके, हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में विद सनरूफ के साथ, टॉप मॉडल है ये। ओके, और फर्स्ट ओनर है, डीजल में है, 2011 इसका मॉडल है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन में, VIP नंबर है इसका, और इसकी किलोमीटर 65,000-67,000 किलोमीटर चली हुई है जेन्युइन। ओके जी, डीजल पे क्या माइलेज इसका ले लेंगे सर? इसका सर ये 2000 CC का इंजन होता है इसका डीजल में, तो इसका माइलेज 12-13 का रहता है डीजल में, लोकल में। ओके जी, बाकी क्या क्या फीचर इसमें मिलने वाले हैं? वैसे तो लग्जरी कार में पूरी लग्जरी है ये, इसके अंदर कंपनी फिटेड आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, ऑटो फोल्ड साइड मिरर मिलेंगे आपको, इसके अंदर एयरबैग मिलेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिलेंगे, टच स्क्रीन इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, इसके अंदर आपको सनरूफ मिलेगा, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। ओके, बाकी इंजन ट्रांसमिशन एकदम मक्खन या? एकदम ओके सर, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी लाकर आप चेक कराओ, कोई इशू नहीं है। ओके, हमारा मेन होता है इंजन ट्रांसमिशन। जी बिल्कुल। और क्या बाकी? तो मेरे को ओरिजिनल लग रहा है ये। हाँ, ओरिजिनल है, जेन्युइन है पूरा, कहीं मेरे को लग रहा है डेट पेंट है कार। नहीं नहीं, जेन्युइन है पूरी। ठीक है, क्या इसकी बेस्ट डील लगाई आपको? इसकी सर बेस्ट डील है 4,25,000। आज सर हम ऐसी गाड़ी लेके आए कि हम ही छोटे पड़ रहे हैं एकदम। नहीं, ये ऊपर खड़ी है ना इसलिए हम छोटे पड़ रहे हैं। हम छोटे ने, हमारी हाइट उतनी है, गाड़ियों की भी हाइट उतनी है, डस्टर आप लोग देख रहे हैं। हाँ, क्या सर इसकी डिटेल? ये सर 2014 मॉडल है, डस्टर किंग है, पहले बताया तो डस्टर किंग है, दो डस्टर एक साथ देखने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको दो डस्टर दिखाने वाले हैं, एक निशान की ट्रेनो दिखाने वाले हैं, बाकी इसके अलावा भी आपको 3-4 डस्टर ऑप्शन में मिलेंगी। ओके, एक कहावत है, आधी रात को कॉल कर लो, आपको पानी मिले इधर या ना मिले, लेकिन डस्टर जरूर मिलेगी, राइट सर? जरूर मिलेगी डस्टर। पर आधी रात को कॉल मत करना, 10 से 8 बजे का टाइम है, उसी में करना। चलिए अब लेंगे हम डिटेल सर। इसकी सर 2014 मॉडल है, रेनॉल्ट की डस्टर, 85 PS में है ये, RXL। ओके जी, फर्स्ट ओनर है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, बाकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल चारों टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेंगे। ओके, गाड़ी के अंदर आपको दो बम्पर पैंड मिलेंगे, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी,
अंदर सीट कवर भी बिल्कुल नए लगे हुए आपको इसके अंदर ब्रांड न्यू मिलेंगे। बाकी जो गाड़ी की कंडीशन है बहुत अच्छी है। चलिए कितनी है ये? चलिए भी है 72,000। 85 PS रहने वाली? हाँ 85 PS RXL। डीजल पे? डीजल पे। क्या माइलेज डीजल पे लेंगे इसकी? सर माइलेज अगर आप डीजल पे लोगे तो 17-18 की होती है। ओके जी। इंजन ट्रांसमिशन? इंजन ट्रांसमिशन ओके है, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी। ओके फुल इंश्योरेंस है गाड़ी के अंदर, एक भी कोई ऐसा काम खर्चा नहीं है जो कस्टमर को लेते ही कराना पड़ेगा। ओके कितने की देंगे फिर डील? इसकी सर डिमांड है 4,25,000। ओके बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट व्हाइट कलर में डस्टर सर, इसकी क्या डिटेल है? इसकी सर ये 2013 मॉडल है, ये भी 85 PS RXL में है। ओके दिल्ली रजिस्ट्रेशन में, फर्स्ट ओनर ये भी। चलिए कितनी है ये? चलिए 78,000 किलोमीटर। बाकी इसकी भी कंडीशन एकदम जेन्युइन? हाँ इसकी भी कंडीशन जेन्युइन है, दो बम्पर पेंट है इसके अंदर भी। ओके जी। तो क्या इसकी बेस्ट डील आपने रखी? इसकी बेस्ट डील रखी हुई है सर 3,75,000। ओके एक सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे एक दर्शक हमसे उम्मीद कर रहे थे कि डस्टर लेके आए। हाँ 110 PS। अच्छा जो आई थिंक आपसे भी उन्होंने फ़ोन करके आपसे बात करी थी कि 110 PS ब्लैक वाली लेने आए थे आपसे, लेकिन नहीं मिल पाई थी उनको। वो सर सेल हो गई थी, इसमें क्या कर सकते हैं। तो जब भी लेके आए सबसे पहले फ्लाइंग कार पे दिखाएंगे और फ्लाइंग कार आपसे वादा करते हैं जिस दिन वीडियो बना के लेके जाएगा 110 की, उसी दिन आपको वीडियो दिखाएंगे। 110 में भी हमारे पास आई थी परसों। okay. तो वो हमारे ना वीडियो में कवर हो पाई ना उस गाड़ी की हम फोटो खींच पाए। एज इट इज़ जैसे कस्टमर आया था हमारे पास गाड़ी देखने के लिए, तो उसको वो वाली गाड़ी पसंद आई, वो उसी टाइम पेमेंट करके गाड़ी ले गई। 110 ऐसी कार है जिसे देखते ही लोग बस ले जाना चाहते हैं कैसे भी करके। जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें मिलती है फोर्ड इको स्पोर्ट सर, क्या इसकी डिटेल रहने वाली है? इसकी सर ये फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है 2014 मॉडल, ये इसका ट्रेन वेरिएंट है, डीजल में है ये, फर्स्ट ओनर है दिल्ली रजिस्ट्रेशन में। ओके जी। डीजल में रहने वाली है? हाँ डीजल में। इसके अंदर सर आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है और स्टेयरिंग में आपको माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, और बाकी जैसे आपको फ्रंट में देखोगे आप कंपनी फिट ग्रिल मिल जाती है, और बैक में आपको वाइपर मिल जाता है, नॉर्मल फीचर्स आते हैं कंपनी। ओके बाकी कितने चली हुई है? ये चली हुई है 58,000 किलोमीटर। ओके पेंट एंड पेंट? दोनों बम्पर पेंट। क्या बेस्ट डील रखेंगे इसकी? इसकी बेस्ट डील सर हमने रखी है 4,40,000। अगली डील भी MUB में बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, हमारे पास है निसान का ट्रेनो। हाँ जी बिल्कुल सर, क्या इसकी डिटेल रहने वाली है? सर ये निसान की ट्रेनो है, 2014 मॉडल है ये, और फर्स्ट ओनर है दिल्ली रजिस्ट्रेशन में है ये, डीजल में है ये भी। ओके चली कितनी है? ये चली है 63,000 किलोमीटर। सेमी प्रीमियम टाइप कारें जो होती हैं, लग्जरी कारें जो होती हैं, वैसे इसमें फील मिलने वाला है आपको? जैसे आपको डस्टर के अंदर आपको फील मिलता है, सेम इसके अंदर आपको फील मिलता है। ओके वैसे डस्टर से तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इसमें मिलने वाला है वैसे। हाँ निसान की गाड़ियाँ काफ़ी बेहतरीन होती है। क्या डीजल पे इसका माइलेज ले लेंगे सर हम? सर सेम माइलेज मिलेगा, ये भी 85 PS में है। ओके बाकी सर इंजन ट्रांसमिशन एकदम ओके? एकदम ओके सर। बम्पर? हाँ दो बम्पर पेंट है इसके अंदर भी। ओके क्या इसकी बेस्ट डील रखी है आपने? इसकी बेस्ट डील भी हमने वही रखी है सेम 4,25,000। ओके कुछ कम कर पाएंगे इसमें? हाँ ऑन टेबल जो भी नेगोशिएट होगा सर। आओ फिर बैठे। जो भी नेगोशिएट होगा सर, XUV का हमने फाइनल किया, इसका भी जो भी हमारा कस्टमर आएगा गाड़ी लेने के लिए जो ये आप लोगों के लिए जितने की आपको करनी डील कर लेना मेरी तरफ से, आप 2,00,000 में ले जाओ। इनकी जिम्मेदारी है कितने में देंगे कितने में नहीं, लेकिन 2,00,000 मांगना मत, बहुत ही कम बोल दिया मैंने। तो सर अब वीडियो के आखिरी पार्ट बचा है, जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे दर्शकों को क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ पर मिलने वाली है। सर सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे फाइनेंस की फैसिलिटीज़ मिलेगी ओनली दिल्ली NCR के लिए, 0% डाउन पेमेंट के साथ 100% लोन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR के लिए। ओके डॉक्यूमेंटेशन सर? डॉक्यूमेंटेशन सर जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, अगर आप जैसे जॉब करते हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप आपकी चाहिए ही चाहिए, बिना सैलरी स्लिप के आपका लोन नहीं होगा। बाकी एक घर का बिजली का बिल, एक फ़ोटो। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, अपना आपका बिजनेस है, तो सैलरी स्लिप हटा करके बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 साल की ITR उसमें ऐड हो जाएगी। ओके एंड सर गारंटी वारंटी? आपको नॉन एक्सीडेंटल की गाड़ी की हर मतलब हर गाड़ी की नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी मिलेगी, और बाकी जितनी भी गाड़ियां आप देखोगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको पूरी गारंटी मिलेगी। और इसके अलावा भी जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है हमारे पास अवेलेबल है, कहीं पर भी आप अपनी घर गाड़ी मंगवा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट कहीं पर भी हैं आप गाड़ी, आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। okay. और NOC भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, RC ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे आपने हमसे गाड़ी परचेज़ की, आपकी अभी एट अ टाइम आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, आपने जो परचेज़ की है तो उसकी भी हम इंश्योरेंस करवा देंगे। गाड़ी आप ले जाने के बाद में आपने इंश्योरेंस कराई है, अगर आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट में आप हमें कॉल कर लीजिए, उसकी भी हम इंश्योरेंस करवा देंगे, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, और आई होप हमेशा की तरह लोग बहुत सारा प्यार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल
थोड़ा सा टास्क दे, हमारी जनता है, टास्क देना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी लॉकडाउन चल रहा था, वैसे भी लोगों के पास इतना काम है नहीं। जी जी, तो एक टास्क है कि लोगों को लाइक करने का टास्क देते हैं। हाँ बिल्कुल, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब ठीक है, उनको लाइक करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब करना है। सर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर कोई भी गाड़ी किसी भी हमारे भाई को पसंद आती है, ठीक है, और वो गाड़ी लेना हमारे पास आना चाहता है गाड़ी लेके, तो वो इस वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास आएगा। जो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट लेकर के आएगा वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जो भी हमारी डील होगी, डील होने के बाद उसको एक्स्ट्रा 10,000 का उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, पर उसी टाइम दिया जाएगा वीडियो लाइक करके और सब्सक्राइब करके, अगर हमारे पास वो स्क्रीनशॉट लेकर आएगा तब। देख लो, और नहीं करेंगे तो मेरा नंबर है, मैंने नहीं बोला, अपने आप बोला, मुझे नहीं बोला है, बैकअपे में है क्या है मुझे नहीं पता, अपने आप। बिल्कुल, अब देख लो भाई लोगों, लाइक आपने करना है, सब्सक्राइब आपने करना है, यही वाली वीडियो लाइक करनी है और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो कभी कभी चलेगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब दोनों किया आपने और लेके आ जाना, लेके आओगे जो प्राइस बोला है, चाहे वो XUV500 का, चाहे हमने कम करवाया उसमें भी कम करके देंगे। अगर नहीं, जो प्राइस मैंने बोला है, जितनी गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है, आप आओ, विजिट करो, गाड़ी देखो, डील फाइनल करो, और ये वाला पार्ट तो सबसे पहले रहेगा, एंड में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यही पार्ट देख के लोग पूरी वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, आज हम COVID-19 भी झेलेंगे अपने लिए, जो फ्लाइंग कार वालों के लिए इतनी खुशी की बात है। लोग हमारे अपने भाई लोग 10,000 रुपये सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का दे रहे हैं, तो भाई इतना तो बनता है ना। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा और कौन सा ब्लॉग, आज के ब्लॉग में कौन सी कार आपको अच्छी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कैसी रही आज गैलेक्सी कार की तरफ से जो फ्लाइंग कार पर स्कीम ऑन एयर करी है, बिल्कुल मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही मुलाकात होगी नए ब्लॉग में नई कारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।